सो हेलो गाइस, वेलकम टू GTA सैन एंड्रियास। ये रहा हमारा कैरेक्टर फ्रैंकलिन। और भाई घर में ही हम अपने घर से पहले पिस्टल स्टन गन उठा लेते हैं, उसके बाद बाहर चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग घर, अलग अलग मिशन करेंगे। और अभी तो हम शहर में बिल्कुल ही जस्ट नए नए हैं। अभी तो हमें ये, वैसे इस शहर का नाम है लॉस सैंटोस, आपने सुना ही होगा। इस ये देखो हमारी प्यारी, इतनी प्यारी शहर है और अमीरों का शहर है। इसमें तो हम इतने, समझ लो, काम की कमी नहीं है। सबसे पहले हम काम धंधा चालू करेंगे। वो देखो घर के ऊपर भाई जेट प्लेन खड़े कर रखे हैं, प्राइवेट जेट। तो सोचो भाई शहर कितना बड़ा अमीर होगा। कोई पहले, अभी तो हम छोटी मोटी नौकरी चालू करेंगे, जैसे कि कोई टैक्सी ड्राइवर या फिर कुछ अलग अलग छोटे मोटे ही। पहले तो सबसे पहले चलते हैं हम रेस करने के लिए। मैंने सुना है कि लॉस सैंटोस में बहुत बड़ा रेस कॉम्पिटिशन होने वाला है। ये स्टेडियम के पास है, हाँ यहीं पर रेस का टूर्नामेंट वाला प्लेस है। प्राइज है भाई $1 मिलियन। प्राइस को सुन के भाई लालच आ गया मन में, बट जाएंगे हम भी और रेस करेंगे। बट उससे पहले हमारे पास एक गाड़ी, साइकिल तक नहीं है। गाड़ी तो छोड़ो भाई, साइकिल तक नहीं है, साइकिल का जुगाड़ करना पड़ेगा। और याद आया, अगर हम जीत जाते तो गाड़ी भी मिलेगी हमको बढ़िया सी। इससे लिफ्ट मांगते भाई, लिफ्ट दे दे। सो गाइस, ये शायद लिफ्ट देने के लिए मान गया, कहा कि आगे वाले सीट में आके बैठ जाओ। गाड़ी भी इसकी लोकल है, बट अंदर की थीम तो टाइगर वाली थीम लगा रखी थी। अबे क्या हो गया भाई, हैवी ड्राइवर है क्या? चलो नॉर्मली चला रहा, ज़्यादा कुछ खास नहीं। अब चलते हैं अब अपना स्टेडियम में। अगर सच्ची में बता रहा हूँ, मैं जीत गया ना, हमें एक बढ़िया सी गाड़ी मिलेगी और $1 मिलियन मिलेंगे भाई। बहुत है यार इतना तो हमारे लिए। अबे यार ये गाड़ी अच्छे से नहीं चला रहा भाई, उतरना पड़ेगा इसके पास से। कोई ना, वो तेरी की, ये क्या है? अब ठोक दी। और क्या है भाई, इसको उठा के बाहर कर दिया। यही मौका है। वो उसको मार रहे, शायद कोई पुरानी दुश्मनी होगी। हम गाड़ी लेके इसके निकलते हैं भाई। पहली चोरी करने जा रहा हूँ मैं गेम में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और ये गेम निकली गाड़ी, बस थोड़ी भीड़ी, ज़्यादा कुछ डेंट वेंट नहीं आया होगा। निकल लेते भाई, उसको मार दिया गुंडों ने। और अब ये गाड़ी हम लेके जा रहे हैं। अब चलो चलते हैं, अपना गाड़ी से हम स्टेडियम खुद हो जाएंगे। उससे हम लिफ्ट मांग रहे थे बेचारे से, और कहाँ उसकी गाड़ी लेके भाग रहे हैं अब हम। चलो कोई ना, अब स्टेडियम चलते हैं। और ये रहा सामने स्टेडियम, पहुंच गए स्टेडियम। अब ये अंदर कर लेते हैं। स्टेडियम का एंट्रेंस गेट कहाँ पे है? ये रहा अंदर। अब थोड़ा बैक करके अंदर, शायद मैं गलत रास्ते से अंदर ला रहा हूँ, बट कोई ना, हमें क्या है, गाड़ी हमारी नहीं है, बट गाड़ी को सेफ। ओ तेरी की, ठुक गई गाड़ी, गया, डेंट ना आया हूँ बस, प्लीज़ यार, बच गया भाई। गाड़ी लोकल थोड़ी है, मजबूत है। पार्क करते हैं इसको अब आराम से, अंदर पार्क करते हैं यहाँ पे। अबे क्या हो रहा है, पार्क हो जा। और तुम्हारे भाई ने पार्क कर दी, बिल्कुल लाइन के बीच में किया, बट कर तो दी ना पार्क, छोड़ना। क्या कौन सी हमारी ये अच्छी बढ़िया गाड़ी है, लोकल तो गाड़ी है। चलो अब चलते हैं हम रेस कॉम्पिटिशन में। पहले गन वन सब अंदर रखते हैं, अंदर पता चला कूट रहे कहेगा रेस लड़ने आ रहे हैं या भाई ये लोग फाइट करने। और ये हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है, गो। अभी तो सबसे पीछे है हम ही, कोई ना धीरे धीरे आगे होंगे। एक ठुका और ये दूसरे को भी पीछे किया, तीसरे को भी किया, और राउंड वन स्टार्ट हो चुका है। और ये चौथा भी, यार लाल वाला ज़्यादा तेज बन रहा है भाई, कर दिया तुम्हारे भाई ने सबको पीछे। अभी है, अभी मैं नंबर वन पे हूँ। कहाँ पे हूँ, किस पे? नंबर वन पे ही हूँ। हाँ अभी हमारे 3-4 राउंड होंगे, उसके बाद धीरे धीरे जीत जाएंगे हम। और ये सेकेंड राउंड चल रहा है, सेकेंड राउंड भी मैं ही जीत चुका हूँ। अभी दूर दूर तक गाड़ियाँ नहीं हैं। और अब थर्ड राउंड भी आने वाला है। यार ये लोग नहीं जीतेंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा, इनका इंतज़ार करूँ क्या? नहीं, थर्ड राउंड भी हो चुका है, थर्ड राउंड भी क्लियर कर चुके हैं। अब फोर्थ राउंड और बाकी है, लास्ट है ये, इसके बाद हम सीधा जीत जाएंगे। बट अब पीछे आ रही है, मुझे लग रहा है उनकी गाड़ियाँ भी, छोड़ो। और ये लाल रेड लाइट आ गई फिनिश लाइन, और जीत गए फर्स्ट प्राइज। 3 मिनट्स 5 सेकेंड में हमने कंप्लीट कर लिया ये रेस भाई, विश्वास नहीं हो रहा, बट कर लिया, कोई बात नहीं। अब क्या करना है हमें भाई, गाड़ी वाड़ी पैसे वैसे कब दे, कहाँ देगा? तो गाइज मेरी बात हो चुकी है उसके ऑनर से, उसने कहा कि गाड़ी तुम भी देखो सामने है, ये रही गाड़ी, इसका नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट गाड़ी तो है ना, गाड़ी ले जाओ, पैसे हम तुम्हारे घर में भिजवा देंगे, $1 मिलियन। सो यार $1 मिलियन हमारे भिजवा देंगे। हमारे पास बैग था, बट उसने बैग में नहीं दिए भाई, पता नहीं क्या कह रहा है कि घर में भिजवा दूँगा, बैग में रख लेते हम। और ये रही हमारी मॉन्स्टर ट्रक, याद आ गया मॉन्स्टर ट्रक नाम है। ओ तेरी की भाई, क्या है यार, नई नई गाड़ी के साथ सीधी तो हो जा यार, अब इसमें खर्चा बैठेगा पता है मुझे, कांच वांच टूटेगा।
देखते हैं फिर भी यार, वो तेरी के कहाँ भाग रहा है अबे यार, इसमें ना ठुक जाता तो गलत पीछे वाला बम्पर भी निकल जाता। ओ तेरी की क्या हुआ, ओ तेरी की यार, मेरी दोनों पे, ये गाड़ी नई वाली गाड़ी तो गई, वो वाली गाड़ी भी चली गई, सामने गाड़ी है ये, क्या मैं चोरी कर सकता हूँ यार, नहीं ले सकता है, गाड़ी पे लॉक लगा है। हट यार, मेरी पहले वाली गाड़ी जो पार्क करी थी वो भी चली गई, ये भी चली गई, क्या करूँ मैं यार, दोनों गाड़ी चली गई, इतनी बढ़िया बढ़िया जो जीता था मैं, वो वाली गाड़ी भी चली गई, ये वाली गाड़ी भी चली गई यार। बट कोई नहीं, 1 मिलियन डॉलर्स है, उससे ही कुछ स्टार्ट करेंगे, नया काम धंधा या कोई काम जॉब पे लग जाएंगे। फ्रैंकलिन भाई क्या हो गया भाई, वो कैसे आग लग गई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। चलो अपने घर का रास्ता देखते हैं, घर चलते हैं, घर में उसने 1 मिलियन डॉलर दिए भाई, साइकिल भी नहीं है, पैदल थोड़ी जाएंगे, और टैक्सी बुलाने के लिए पैसे भी नहीं है, लिफ्ट मांगते इस मोटे से, लिफ्ट दे दें तो गाइज इसने बोल दिया लिफ्ट आ जाओ पीछे बैठ जाओ, हम बैठ के चलते हैं। बट भाई एक बात है, लॉस एंटोस में लिफ्ट में कोई मना नहीं करता भाई, अमीर है सारे कहते हैं बैठ जाओ भाई, इसको भी क्या पागलपंती चढ़ी है क्या, ठोक कैसे चला रहा है भाई, लिफ्ट के लिए मना नहीं करते बट पागलों जैसे चलाते हैं इधर के बंदे, इतना तो पता है, हैवी ड्राइवर फुल्ली, मेरा मन करेगा तो उतर जाऊंगा मैं, चढ़ जाऊंगा भी नहीं ज़्यादा। ओ तेरी की ठोक, अबे क्या है ये, लड़ाई लड़ाई करके आया है क्या, ठोक रहा है उसमें दबा के, ओ तेरी की भाई क्या चला रहा है ये गंदा, ठोकेगा ये, ठोकेगा ठोकेगा, इस पे नहीं जाना मुझे भाई, नहीं बैठना इस पे बस, और रोक दे, अबे रोकेगा भी नहीं क्या अभी ये, अबे बोल इसको भरूंगा मैं ज़्यादा बोलेगा तो निकला। ओ तेरी की देखा भाई, हमें उतारते ही निकल गया, इतना बड़ा वाला हैवी ड्राइवर था। सो यार अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे कौन सा काम चालू करना चाहिए, या शोरूम खोलना चाहिए, कुछ भी जो करना चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट हाई क्वालिटी गेमिंग कंटेंट में, GTA San Andreas की या फिर कोई और सी, तब तक के लिए बाय बाय।